हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों ने अगर वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं घर में, सब्जियाँ उगाई हैं, तो उनमें टमाटर आपने ज़रूर ग्रो किया होगा। और टमाटर के जो पुराने प्लांट्स हैं वो अब ड्राई हो रखे होंगे, जिन्होंने अपना प्रोड्यूस जो भी वो टमाटर उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो ख़त्म हो गया होगा। तो आप देखेंगे कि उसमें से अब शकर्स निकलना स्टार्ट हो गए होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक प्लांट है जिसके अंदर से ये तीन शकर्स निकल रहे हैं, यानी कि नई नई ब्रांचेस निकलनी नीचे से स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे तीनों पर ही देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब मुझे क्या करना है, आपके यहाँ भी ये होगा, आपके पुराने प्लांट्स में से शक्कर निकलेंगे भी, उसकी जो ये गांठें होती है ना, यहाँ से नए नए इस तरीके की ब्रांचेस निकलेंगी। आपने करना क्या है, देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप मेन अगर प्लांट आपका प्रोड्यूस दे चुका है तो आप उसको मेन प्लांट को काट दीजिए और प्लांट्स को अच्छे से फीड कराते रहिए, अच्छे से खाद डालते रहिए, तो जो शकर्स हैं इनमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो बहुत अच्छे से आपको टमाटर देती रहेगी। इसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं कि अगर आपका मेन जो ब्रांच है उस पर अभी टमाटर लगे हुए हैं, पके नहीं हैं, तो अगर आप शकर्स को भी उसमें उगने देंगे ना, तो जो मेन प्लांट का जो भोजन है वो सारा शकर्स ले जाएंगे, जो नए नए ब्रांच निकल रहे हैं वो ले जाएंगे, और आपका मेन जो प्लांट है उसकी हेल्थ पर जो है असर पड़ेगा। तो देखिए, लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया था कि शकर्स को अलग से भी ग्रो हम कर सकते हैं, इस बार भी मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, इस प्लांट को तो मैं टच नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका जो मेन ब्रांच है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसके अंदर 4-5 टमाटर हैं अभी, आप देख पा रहे होंगे। और एक चीज़ और, ड्राई लीव्स को आप हटाते रहिए, नहीं तो ये ड्राई लीव्स जो होती हैं पौधे का जो है पोषण लेती रहती हैं। तो देखिए, ये छोटे छोटे से बंदर ने एक बार डैमेज कर दिया था ये ब्रांच, तो ये 4 टमाटर हैं और अभी चूंकि हल्की सी गर्मी आ गई है तो फटाफट से जो है पक रहे हैं। और देखिए, मैं इतना पकते ही टमाटर को हार्वेस्ट कर लेती हूँ, रीज़न क्योंकि ये रखे हुए 8 से 10 दिन के अंदर अपने आप लाल हो जाते हैं। अगर आप पेड़ पर ही छोड़ेंगे, पौधे पर ही छोड़ेंगे टमाटर को, तो देखिए मेरे यहाँ तो बंदर आते हैं तो वो सारा का सारा बंदर चट कर जाते हैं, इसलिए मैं इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ और ये 15 से 20 दिन में अपने आप लाल हो जाते हैं और मेरे को रेगुलर काम आ रहे हैं। तो अभी मैं ये बता देती हूँ कि आपको ये शकर जो निकल रहे हैं इनसे हम नया प्लांट्स कैसे बना सकते हैं। मतलब अगर हम अभी 20 से लगाते हैं तो देखिए उनको बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इस जो शकर्स निकल रहे हैं हमारे प्लांट से, इनसे ही हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और तकरीबन मेरे यहाँ देखिए अप्रैल तक हार्वेस्टिंग मिल जाती है, तो वो हम ले सकते हैं क्योंकि फ्लावरिंग इन पर बहुत जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं भी शेयर करती हूँ आपके साथ एक ट्रिक। जैसे देखिए, मेरा एक ये प्लांट है जिसमें मेन ब्रांच तो ये वाली है और इसके साइड में देखिए ये शकर निकल रहा है, तो इसको मैं कट करूँगी और कट करने के बाद में मैं इसको कैसे लगा रही हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी, देखिए मैंने ये यहाँ से कट कर ली है ब्रांच, और इसकी यहाँ से लीव्स मैंने हटा दी हैं क्योंकि लीव्स रहेंगी तो जड़ बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें इस पर क्योंकि जल्दी से जल्दी इसमें टमाटर लेने हैं तो हमने क्या करना है कि ये देखिए मैंने कट कर लिया, और सेम जो कटिंग में मैं अप्लाई करती हूँ 45 डिग्री के कट लगाती हूँ। और देखिए, मैंने रूटिंग हार्मोन के रूप में मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ सारे प्लांट्स में, और मेरी आपने देखा है कटिंग की जो रेट हो जाती है 100%, मतलब 99% मैं कह सकती हूँ, रेयरली चांस होते हैं कि मेरी कटिंग नहीं चलती, नहीं तो मेरी कटिंग चल जाती है। अब देखिए, ये शक्कर काट लिया, अभी इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है और इसको 45 डिग्री काट के यहाँ पर मैं एलोवेरा लगाऊंगी। देखिए, ये मैंने एलोवेरा लिया है, एलोवेरा को मैं यहाँ से कट करूँगी, इसके अंदर जेल है और इसके अंदर जो है मैं ये कटिंग जो है इसके अंदर ऐसे लगाकर, और मैं एज इट इज़ मिट्टी के अंदर दबा दूंगी, मैं इसको हटाने वाली नहीं हूँ, इसके अंदर एज इट इज़ लगा दूंगी मिट्टी के अंदर, और फिर इसके रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका क्या हुआ। और देखिए, मेरा ये कंटेनर है जिसके अंदर टमाटर ही लगे हुए हैं, और अभी क्या है कि आपको पता ही है कि टेरिस पर बंदर मेरे आने लग गए हैं तो उनसे छुपा के रखना पड़ता है, तो इसी के अंदर मैं जो है इस वाली कटिंग को मैं लगा रही हूँ। देखिए, अब धीरे से इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे, और मिट्टी इसमें बहुत ज़्यादा पानी की, देखिए ऑलरेडी मेरी सॉइल बहुत अच्छी है तो ओवर वाटरिंग नहीं होती, मतलब पानी एक्सेस में चला भी जाए तो दिक्कत नहीं होती है, और क्योंकि सारे ही जब जो प्लांट है उन पर फ्लावरिंग हो रही है तो मैं पानी का ध्यान रखती हूँ, थोड़ा कम ही देती हूँ, तो इसको ऑलरेडी मॉइस्चर मिलता रहेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने एलोवेरा लगाया है। तो इस तरीके से आप सारी कटिंग ट्राई कर सकते हैं। मेरे प्लांट के अंदर जितने भी शकर्स निकल रहे हैं जिन पे अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उन सबको काट के मैं ऐसे ही लगाने वाली हूँ, और बिना बीज के ही जल्दी से हार्वेस्टिंग लेने का एक बेस्ट ट्रिक है ये। और अभी
मेरे पास है ना गुलाब के लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि कटिंग वो लगाते हैं और चलती नहीं है। तो देखिए मैं तो वही सिंपल ट्रिक अप्लाई करती हूँ जो मैंने अभी टमाटर के प्लांट पे किया है ना, कि मैं लीव्स हटा देती हूँ सारी, 45 डिग्री में नीचे से कट करती हूँ, एलोवेरा जेल लगाती हूँ, नहीं तो एलोवेरा ही मैं तो लगा देती हूँ डायरेक्ट, उसके अंदर थोड़ा सा टुकड़ा लगा देती हूँ। और आप ये देखिए, ये तो मैंने तकरीबन 10 दिन पहले लगाई थी कटिंग करके, और दोनों कटिंग्स में स्प्राउट होने शुरू हो गया है, पत्तियाँ आनी। लेकिन पता है हम करती गलती क्या करते हैं कि हम है ना हिलाते रहते हैं कटिंग को ना। देखिए ना तो मैंने इसमें कोई पॉलीथीन लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, इस डायरेक्ट कटिंग लगाई हुई है। इस पर देखिए फ्लावर आने ही वाला है, इस वाली कटिंग पर। मैंने लास्ट टाइम 5 कटिंग्स लगाई थी जिसमें से मेरी 4 हो गई थी, एक पता नहीं कैसे सूख गई थी, और देखिए 2 जो है ये चल रही हैं। तो मैंने सिंपल ट्रिक अपनाई थी, बस वही एलोवेरा जेल लगा के मैंने सेम मिट्टी, देखिए आप कंटेनर मेरे कॉमन है, मैं अलग से नहीं करती हूँ, सेम उसी मिट्टी में दबा दिया और रिज़ल्ट आपके सामने है, सारी कटिंग्स मेरी चल गई हैं। तो आप जब भी कटिंग लगा रहे हैं आप अलग से मत ट्राई करिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर हिबिस्कस की इतनी सारी कटिंग लगाई थी अलग से, वो पॉली बैग बंद कर करके, मेरी सक्सेसफुल नहीं हुई थी क्योंकि मैंने सीज़न सही नहीं चुना था। राइट टाइम है अभी भी, अगर आप कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो सेम कंटेनर में लगाइए, आपकी डेफिनेटली कटिंग चलेगी अगर आपका सॉइल जो है मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और फिर से कह रही हूँ पत्तियाँ मिलाना शुरू कर दीजिए तो आपकी जो सॉइल है बहुत रिच बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी। मेरे तो देखिए ये सीड ग्रोन है गुलाब का पौधा, ये वाला देखिए सीड ग्रोन है, और 2 पौधे देखिए इस पर कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं फिर से, और इसके अंदर देखिए एक छोटू सा लगा हुआ है अंदर, यहाँ पर ये लगा हुआ, एक मेरे दूसरे कंटेनर में लगा हुआ है, तो 4 प्लांट मेरे पास सीड ग्रोन भी हो गए हैं। तो गुलाब लगाना, देशी गुलाब लगाना तो देखिए बहुत हार्ड नहीं है, आप इजीली इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही था, टमाटर पर शेयर करना चाह रही थी क्योंकि सारे सकर्स काट के मैं लगा रही थी, तो सोचा ये ट्रिक आपके साथ भी अप्लाई करूँ, क्योंकि हम पौधा जब पुराना हो जाता है तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, और अब टाइम नहीं है टमाटर के बीज लगाने का, तो आप इस तरीके से कटिंग लगाकर आप लंबे टाइम तक टमाटर की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का मैसेज या वीडियो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर। एंड किसी ने एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको, मेरे देखिए इस वक्त कॉलियस की मैंने सबकी कटिंग कर दी है, और कॉलियस को अगर आपको अच्छा रखना है पूरी साल भर तो आपको बायो एंजाइम बनाना ही पड़ेगा। बायो एंजाइम के रिजल्ट देखिए बहुत अच्छे हैं, खासकर स्प्रे करने में पौधों पर, तो वो ज़रूर आप बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर प्लीज़, थैंक यू।